हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल की रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के लिए एक और चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, वो है एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ों में रिलेशन दिया होता है, अगर इसका रिलेशन इससे है तो अगली दो चीज़ों में भी रिलेशन ही उसी टाइप का रिलेशन दिया जाएगा, लेकिन उन दो चीज़ों में से एक चीज़ गायब कर दी जाएगी, वो चीज़ क्वेश्चन मार्क वाली आपको बताना होगी। तो क्वेश्चन के तरीके से अपन इसको समझेंगे तो अपने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपके लिए करीब 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो चलिए एक पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया है डॉक्टर इज टू नर्स। डॉक्टर और नर्स का कनेक्शन दिया हुआ है। देखिए, डॉक्टर की क्लिनिक पे नर्स होती है, उसी हिसाब से क्वेश्चन मार्क इज टू फॉलोअर। देखिए, एम्प्लॉय के फॉलोअर हो सकते हैं, एम्प्लॉयर के फॉलोअर हो सकते हैं, लीडर के, वर्कर के, लेकिन देखिए इसका जेन्युइन आंसर जो होगा वो होगा लीडर, क्योंकि लीडर जहाँ होगा वहाँ उसके फॉलोअर मतलब कि प्रशंसक जरूर होंगे। और जैसे कि डॉक्टर की नर्स होती है, वैसे ही लीडर के प्रशंसक जरूर होंगे। यहाँ लीडर का मतलब नेता से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, मून का रिलेशन जिस तरह सैटेलाइट से, अर्थ का रिलेशन किससे आएगा? यहाँ वो वाली सैटेलाइट नहीं है जो इसरो लॉन्च करता है और जो अपने ऑर्बिट में जाके उधर लॉन्च करता है, लेकिन ये सैटेलाइट है मैन मेड सैटेलाइट से। आपको पता होगा मून को मैन मेड सैटेलाइट भी बोला जाता है। तो यहाँ जो मून का कनेक्शन है वो है मैन मेड सैटेलाइट से, वो मैन मेड नहीं, नेचुरल सैटेलाइट से। सॉरी, मून का कनेक्शन यहाँ है नेचुरल सैटेलाइट से और अर्थ का कनेक्शन यहाँ है प्लैनेट से। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ एक प्लैनेट है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि फियर इज टू थ्रेट। देखिए, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी और फियर का मतलब होता है डर। जैसे धमकी और डर के बीच में एक कनेक्शन निकल रहा है, आपको वैसे ही कनेक्शन ढूंढना होगा। जैसे कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी या किसी पे दबाव बनाना, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो ऑप्शन देखते ही काट देंगे अपन। और पैनिक मतलब कि असमंजस की जो स्थिति होती है वो भी, इसमें कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं निकल रहा है लेकिन इसको रख सकते हैं। और प्रोवोकेशन मतलब होता है कि गुस्से से लाल पीला होना, तो गुस्सा आएगा तभी गुस्से से लाल पीले होंगे, तो ये मे बी एक सही आंसर हो सकता है। फोर्स और देख लेते हैं। फोर्स, देखिए फोर्स का मतलब दबाव बनाना, ये भी आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर है इसका थर्ड। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल गया है। क्लॉक इज टू टाइम। घड़ी क्या दिखाती है, समय, और थर्मामीटर क्या दिखाता है, टेम्परेचर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। ये भी कप, जिस तरह कप और लिप का कनेक्शन मिल रहा है आपको, कप और लिप का जो कनेक्शन मिल रहा है, उसी तरह बर्ड पक्षी का किससे कनेक्शन निकलेगा। देखिए, इसमें बुश का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बुश का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई भी जंगली जगह को, जंगल या आप बोल सकते हैं डेजर्ट, इस टाइप की जगह को आप बुश बोलते हैं। और बीक का मतलब होता है चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच। तो यहाँ पर आपका आंसर बीक हो जाएगा, क्योंकि कप का कनेक्शन जिस तरह लिप से है उसी तरह पक्षी का कनेक्शन चोंच से है। अगले क्वेश्चन पे, हाँ ये भी एक आसानी क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, ट्रैक्टर का ट्रेलर से कनेक्शन है, उस तरह हॉर्स का किससे कनेक्शन होगा, कार्ट से, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो गाड़ी लगी रहती है जिसको वो खींचता है उसको ट्रेलर बोलते हैं, और हॉर्स के पीछे जो गाड़ी लगी रहती है उसको अपन कार्ट बोलते हैं, पूरा नाम हॉर्स कार्ट। अगर बैल के पीछे जो गाड़ी लगी रहती है अपन उसको बुलक कार्ट बोलते हैं। और स्टेबल का मीनिंग होता है कि घोड़े को जब अस्तबल में रखते हैं तो उसको स्टेबल बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और सैडल मतलब कि घोड़े के ऊपर जब अपन कुछ बोझ लाद देते हैं कुछ, तो उसको सैडल बोलते हैं, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि कनेक्शन यहाँ सीधा निकल रहा है कार्ट से और इंजन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फ्लावर का कनेक्शन जिस तरह बर्ड से है, बर्ड का मतलब होता है कली, और कली से बनता है फूल। जिस तरह कली से फूल बनता है, प्लांट किस चीज़ से बनता होगा? देखिए, ट्विक का मतलब होता है टैनी, देखते ही कैंसिल। और सीड, बीज से पौधा बनता है, आंसर हो सकता है टेस्ट गलत। फ्लावर से कैसे प्लांट बनेगा, प्लांट से फ्लावर बनता है, तो सीड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लो
रिवर, देखिए रिवर का जो पानी होता है वो बहता है, इसीलिए जिस तरह रिवर का कनेक्शन फ्लो से है, स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मतलब कि रुका हुआ, रुका हुआ पानी कहाँ का होता है, बारिश का पानी बहता है, गलत, स्ट्रीम मतलब कि लहर, कहाँ से बहेगा, रुकेगा, और स्टैगनेंट रुका हुआ पानी पूल का होता है, स्विमिंग पूल का पानी रुका हुआ होता है, नहर का पानी भी बहता है। हाँ ये देखिए इसमें थोड़ा कि वोकैब यूज होगा आपका, इसमें पॉ जो मतलब कि दिया है, पॉ मतलब होता है पंजा मारना, जो बिल्ली आपकी होती है वो पंजा मारती है, और हूफ, हूफ जो होता है एक तरीके से दुलत्ती मारना, जो घोड़ा जो कि दुलत्ती मारता है, आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में किसी कहानी में उधर, और लैम्ब का मतलब होता है बकरी का बच्चा, तो इनमें से कोई तो पैर नहीं मारता है, यही घोड़ा मारता है पैर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार और गैराज, जिस तरह कार और गैराज में कनेक्शन है, कार को पार्क किया जाता है गैरेज में, उसी तरह एरोप्लेन को पार्क किया जाता है हैंगर में, जहाँ एयरपोर्ट पे वो जगह होती है जहाँ पर एरोप्लेन को पार्क किया जाता है, उस जगह को अपन हैंगर बोलते हैं। वैनरेट, वैनरेट का कनेक्शन है वर्कशिप से, देखिए इसमें मैं थोड़ा मतलब मीनिंग बता देता हूँ आपको, वेनरेट का मतलब होता है आदर करना, और वर्कशिप का मतलब भी वही होता है, आदर करना, सत्कार करना, पूजा करना, यानी कि एक तरीके से सिनोनिम हो गए ये तो एक दूसरे के, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, उसी तरह एक्सटॉल का भी सिनोनिम ही ढूंढना होगा, लेकिन एक्सटॉल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले, एक्सटॉल का मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, इस टाइप का मीनिंग होता है, और एक्सटॉल का इधर क्लियर सिनोनिम निकल के आ रहा है ग्लोरीफाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए नर्चर, नर्चर का मीनिंग होता है काबिल, और नेगलेक्ट उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, नेगलेक्ट होता है नकारना, यानी कि एक इंसान काबिल है और एक को नकार दिया गया, ये टोटल अपोजिट की बात हो रही है, बिल्कुल अपोजिट की, और ये डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, तो जब किसी को अपन बदनाम कर रहे हैं तो किसी की तारीफ करना ही इसका अपोजिट होगा, उनमें से क्या किसका मतलब, देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्सटॉल का मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, तो डेफिनेटली यही आंसर होना चाहिए, और बाकी ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, देखिए रिवील करना मतलब कि उजागर करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, रिकॉग्नाइज करना मतलब कि एक तरीके से पहचानना, ये भी आंसर नहीं होगा, और कैल्यूमिनेट मतलब कि कीचड़ उछालना, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो इसी हिसाब से एक्सटॉल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हांगकांग, ये थोड़ा कि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको वोकैब कोई काम नहीं आएगी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना काम नहीं आएगा, अगर आपको पता होगा कि हांगकांग और चाइना में क्या कनेक्शन है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए चाइना जो है, आपने चाइना के मैप में जो देखा होगा, हांगकांग यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है चाइना से एकदम टच, ये हांगकांग है। उसी तरह वेटिकन, आपने पता होगा इटली, इटली जो है, इटली की कैपिटल क्या है, इटली की कैपिटल है रोम, और रोम के अंदर आता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी उसके अंदर आता है, तो इधर ना ही इटली ऑप्शन में है और रोम ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है, तो रोम लगा सकते हैं आप, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं इन सब चीज़ों से, बहुत दूर है। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब कि साक्षरता, असाक्षरता, ठीक है, यानी कि इसको दूर किससे किया जा सकता है, एजुकेशन यानी कि पढ़ा के, पढ़ाई करके असाक्षरता को दूर किया जा सकता है, साक्षर बनाया जा सकता है लोगों को। और फ्लड, फ्लड मतलब होता है कि पानी का सैलाब, और पानी के सैलाब को आप कैसे दूर करेंगे, बारिश से नहीं, बारिश से कैसे दूर करेंगे, पुल बना के भी कैसे दूर करेंगे, लेकिन डैम बना के आप रोक सकते हैं, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिल और माउंटेन, हिल और माउंटेन ये लगभग एक दूसरे के सिनोनिम है, क्योंकि हिल होता है पहाड़, और माउंटेन एक तरीके से हिल चोटी बोला जाता है, और पहाड़ भी वही है, दोनों का मतलब सेम है, और स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है कि लहर, स्ट्रीम का मतलब होता है लहर, लहर कहाँ आती हैं, उसमें कैनल,
कैनल में कहाँ लहर आती है, तो बहुत धीमे धीमे पानी बहा जाता है, नहर बोलते हैं इसको। ग्लेशियर में तो लहर आती नहीं है, जमे हुए को बोलते हैं। एवलांच मतलब कि ब्रेकडाउन जो होता है उसको एवलांच बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्लियर रिवर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जिस तरह फ्रूट का कनेक्शन बनाना से दिया है, बनाना क्या है, एक फ्रूट है, ऐसा ही कनेक्शन आपको ढूंढना है मैमल में। मैमल का कनेक्शन आपको बचपन में ही, बचपन से हमको पता है कि गाय बच्चे देती है, बाकी सब अंडे देते हैं, सांप अंडे देता है, मछली अंडे देती है, चिड़िया अंडे देती है। तो सीधा सीधा आंसर इसका काऊ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि फायर, आग और एशेस का क्या कनेक्शन है। देखिए आग जब लगती है तो अपने बाद राख छोड़ जाती है, आप कुछ भी चीज़ जलाएंगे उसके बाद राख रह जाएगी और उसी को एशेस बोलते हैं। एक्सप्लोजन, अगर कोई धमाका होता है तो धमाके के बाद क्या रह जाता है, मलबा कचड़ा, तो मलबा और कचड़े को क्या बोलते हैं, डेब्रिस। डेब्रिस मतलब होता है मलबा और बाकी सब मतलब चीज़ों का मतलब आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ड्रामा इज टू स्टेज, ड्रामा कहाँ होता है। ड्रामा का मतलब इधर वो है जो स्टेज पे जो कोई वो किया जाता है, ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी मंच है उस पर कुछ भी प्रोग्राम किया जा रहा है तो उसको अपन ड्रामा बोलते हैं। और टेनिस, टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में, टेनिस कोर्ट आपने बहुत सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कल्पचर, स्कल्पचर वो है जो कि आजकल बहुत ही फेमस वर्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब कि जो नक्काशी करके कुछ चीज़ें बनाता है, जैसे कि मूर्तियाँ हुआ, कुछ मूर्ति टाइप की चीज़ें, बहुत ही तरह तरह की चीज़ें बनाता है। तो ये क्या बनाता है एक तरीके से, स्टैच्यू, स्कल्पचर स्टैच्यू बनाता है एक तरीके से। और पोएट यानी कि कवि, कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है, लेकिन कविता तो इधर है नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने वोकेबलरी से थोड़ा गेम खेला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए वर्स का मतलब ही पोयम होता है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं होता है, इधर कनेक्शन नहीं निकलता इससे। और देखिए मलेरिया, जिस तरह मलेरिया एक बीमारी है, मलेरिया का कनेक्शन बीमारी से निकल रहा है। जिस तरह स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से छेद देना, मतलब उसमें छेद देना किसी भी चीज़ से, तो किससे करेंगे, तलवार से, तलवार से कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है प्रॉपर हथियार से, किसी भी हथियार से कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं लगाना है इधर, तो इधर वेपन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो ख़त्म होता है, मैं आगे आपके लिए और इस टाइप की वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।